हेलो एवरीवन, आज आए हैं हम लोग श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जो कि सूरत में स्थित है। चलिए अंदर चलते हैं। अरे मम्मा, यही खड़े होके देखते रहोगे क्या? अंदर भी तो चलो। और यहाँ पे उतार लिए हमने अपने शूज, अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। चलिए आप लोग भी। अरे मम्मा, ये अंकल जी हाथ में क्या पकड़े हैं? ये संख है बेटा, और इसमें से पानी आ रहा है। एक फाउंटेन है ये भी। अरे वाह, ये तो नई तरीका का फाउंटेन है। और ये देखिए, ये है स्वामी नारायण भगवान जी। देखो तो कितने सुंदर लग रहे है ना। देखिए ये मंदिर बना है, वो भी शंख के शेप में। कितना सुंदर लग रहा है ना। और यहाँ पे छोटे छोटे मंदिरों में बहुत सारे अलग अलग भगवान जी बैठे हुए हैं। पापा पापा, ये देखो तो कितना बड़ा एलिफेंट है यहाँ पे, और इनके ऊपर टूटू अंकल जी भी बैठे हैं। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे भी बैठना है इस एलिफेंट पे, बिठा लो ना प्लीज। अरे बेटा, इस एलिफेंट पे आप नहीं बैठ सकते, इस पे भगवान जी बैठे हैं। चलो प्रणाम करो। एलिफेंट देख लिया, अब चलो आगे चलते हैं। ठीक है मम्मा, चलो। अरे वाह, ये तो हॉर्स है। कम से कम इस पे ही बिठा लो, एलिफेंट पे तो बिठाला नहीं। चलो ना, बिठा लो ना प्लीज। अरे बेटा, आप इस पे भी नहीं बैठ सकते, ये तो शो के लिए लगाया गया है, ये असली का हॉर्स थोड़ी है। आप चलना कभी भी, आपको असली वाले हॉर्स पे बिठा लूंगी। वैसे इस वाले हॉर्स पे आपके लिए जगह भी नहीं है। ठीक, मुझे इस एलिफेंट पे बैठना है, बिठा लो ना मुझे। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं मम्मा, मुझे एलिफेंट पे बैठना है। अरे ये एलिफेंट पे कैसे बैठोगे, ये तो बहुत बड़े हैं ना। अरे मम्मा, इधर तो देखो, इधर देखो कितने सुंदर डक बने हैं, और राधा कृष्ण बने हैं, और ये देखो पीकॉक भी है यहाँ तो। और कितने सुंदर सुंदर देखो तो राधा कृष्ण बने हैं। देखो तो मम्मा, वाव। अरे अब अंदर भी तो चलो, बाहर ही खड़े रहोगे क्या? ये देखो, हम मंदिर के अंदर पहुंच गए और हमने कुछ फोटोज क्लिक करी हैं। कैसी लग रही हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और ये है श्री स्वामी नारायण भगवान जी, और ये है कान्हा जी। देखो तो कितने सुंदर लग रहे हैं। मम्मी मैं भी झूलाऊंगा कान्हा जी को झूला। अरे अरे, ये रस्सी तो कुछ ज्यादा ही लंबी है। चलो अब मैं प्रणाम कर लेता हूँ भगवान जी को। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और पापा मुझे यहाँ गोद में लेके जा रहे हैं टिकट लेने के लिए एग्जीबिशन की, जो कि मंदिर के पीछे बनी हुई है और बहुत सुंदर है। मैं तो यहाँ वेट करते करते थक गया। अरे फाइनली पापा आ गए, हमने यहाँ से शुरुआत करी। यहाँ पे देखो गणेश जी भी बने हैं, चलो आगे चलते हैं। और आगे देखिए ये क्या बना है। चलिए आगे चलते हैं। और ये देखो, ये सीन कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखो, एक राक्षस मरा पड़ा है। चलो आगे चलते हैं। वाओ, ये एलिफेंट को तो देखो क्या कर रहा है एलिफेंट। चलो आगे चलते हैं। और इधर तो देखो कृष्ण भगवान जी नाग के ऊपर डांस कर रहे हैं, ये वो सीन है। और यहाँ पे मैंने और पापा ने फोटो खिंचवाई। और ये देखो, ये बताओ तो सीन कौन सा है। ये है गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में उठाया था ना कृष्ण भगवान जी ने, वो वाला सीन है। वाओ, सो ब्यूटीफुल, राधे कृष्ण। और यहाँ पे गणेश जी अपने माता पिता के चाउंड एंड राउंड चक्कर ल
लगा रहे हैं। और ये वाला सीन कौन सा दर्शाया गया है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आगे चलते हैं। मम्मा देखो तो, पापा देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, काऊ भी है यहाँ पे तो। आदर्श आप आगे तो देखो, ये गुफा है, इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। चलो मम्मा इसके अंदर, चलो चलता हूँ। अरे पापा आप भी चलो ना, मुझे डर लग रहा है। गुफा के अंदर तो कुछ भी डरावना नहीं है। मम्मा धीरे धीरे आना, गिर मत जाना। ये देखो क्या है यहाँ पे। अरे यहाँ तो विष्णु भगवान जी बैठे हैं और लक्ष्मी जी बैठी हैं। वाव कितने अच्छे लग रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है देखो तो जरा, यहाँ पे भी कुछ है। चलो पापा, गुफा से निकलते ही मुझे एक बाघ दिखाई दिया है। देखो तो मम्मा कैसे दांत दिखा रहा है ये बाघ। एग्जीबिशन से निकलने के बाद में हम आए हैं नेचुरल पार्क जो कि मंदिर के अंदर में ही है। और यहाँ तो देखो, यहाँ भी एक गुफा है। ये तो मुंह तो देखो कैसे बड़ा सा राक्षस के जैसे दिख रहा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखो हमें यहाँ पे क्या दिखा, शंकर भगवान जी की मूर्ति है और शिवलिंग है। देखो और कितना अच्छा फाउंटेन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हर हर महादेव। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर निकलने। हमने सारी एग्जीबिशन देख ली जो कि बहुत अच्छी थी। मंदिर भी बहुत सुंदर बना है। आप लोग अगर सूरत में रहते हो तो जरूर आना यहाँ पे एक बार। गुरुकुल बहुत ही अच्छा मंदिर है। और हाँ, 2-3 घंटे समय लेके आना क्योंकि इस मंदिर को घूमने में कम से कम 2-3 घंटे तो लगने ही लगने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं शूज पहन रहा हूँ, अब मैं घर जाने वाला हूँ। बाय बाय।